काल निर्णय आवेगा। तीर्थवर तलवार न वर्षी ना बंदूक चलावेगा, अवतार चलके ना कोई घर में धुंध मचावेगा। तीर्थवर तलवार न वर्षी ना बंदूक चलावेगा, आत जात लखे ना कोई घर में धुंध मचावेगा। मन रेना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा, मन रेना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा। नांग तोड़े नागड फोड़े नाम रूप दिखावेगा, नगरी से कुछ काम नहीं है तुझे पकड़ ले जावेगा। नांगड तोड़े नागड फोड़े नाम रूप दिखावेगा, नगरी से कुछ काम नहीं है तुझे पकड़ ले जावेगा। किसी से मामूली सा झगड़ा हो जाए, मामूली सा, वो जरा लम्बा डंडा उठा रहे डंडरों के पीछे जाए, हम कहेंगे शायद हमारे लिए है। वो बंदूक खरीदता है, वो तलवार खरीदता है, कोई पिस्तौल खरीदता है, कितने बंदोबस्त करते हैं। ये तो आया देश का बंदोबस्त करना है। किसी ने सोचा कभी उसका कितना बंदोबस्त, इसका ख्याल आया किसी को? सोच लो, ये भक्ति इसलिए भी इसका बंदोबस्त हो जाए, इसके लिए हम बड़े उपाय किए, किन जप किए, किन तप किए, किन यज्ञ किए, किन योग किए, किन पुण्य किए, किन दान किए, चक्कर हुआ। सोच लो, ये धक्के खा रहे हैं, देख लो। ये कहते हैं इसके लिए गुरु की जरूरत है, गुरु बड़े किए। देखो श्रीधर ऋषि ने 88,000 साल तक प्राणहारी व्यक्ति एक दफा जीव मारता था पानी पी लेते थे, ये उसकी खुराक थी। हम तो कहीं इसने मन को काबू कर लिया, मन भी काबू ना आया। दूसरा मित्र ने 60,000 साल तक किया, मन भी काबू ना आया। मुछंदर इस देश से निकल जाता था, आत्मा तीन शरीरों में कैद है, पहले कारण शरीर है, उसके साथ हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मंडलों में काम कर सकते हैं, जहां देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। वो उस देह से निकल जाता था, फिर मन ने ख्याल किया विषय भोग में राज पाठ करें, इस राज्य का ध्यान हुआ, अपनी रूह को जिसमें से निकाल कर उसके जिसमें प्रवेश करके विषय भोग में राज पाठ किया, मन भी कभी ना आया। सोचने पड़ते हैं, फिर कहते गुरु की जरूरत, उन्होंने गुरु किए, गुरु तो उन्होंने भी किए, अरे मुछंदर ने भी किया, श्री ऋषि ने भी किया, प्राचीन ने भी किया, दे लो भाई। वो गुरु और है जो मुक्ति का दाता है, नकल चल पड़े, वो सबका एक ही है, एक ही किसे सभी को गुरुदेव है, एक ही स्वरूप सब एक जो जान जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, जिसके मतलब पुरुषों ने कहा है आपके दारोमदारी मेरे सतगुरु आपके खेल खिलाड़ी हो, गगन मंडल का तंबू बनाया, धन बगीचा डारी हो, चांद सूरज मसाल बना दिए, तारों की फुलवाड़ी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप बने खुद माली हो, वो गुरु मुक्ति का दाता, जिस बाडे में वो आता था उसको गुरु कहते थे, बाद में नकले चलते गुरु के चल गए, गुरु हो गए, फिर चेले में गए।
माधव चंदा सिंह लिखा दिलवारे पर फिर घर घर कंठी दे और काज उनको नहीं दिव्य तमाम है कम फूका गुरजत का राम लगन और सरस्वती को जाने मुक्त दिखा उठा मृत्यु वाला चाहिए वो सबका एक ये सब के अंदर है उसकी जो सब के अंदर काम कर रही है आप इनकी बात समझने की मंदिर में जाओ गुरुद्वारे में जाओ मसीतों में जाओ गिरजे में जाओ शिवालयों में जाओ आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी या तो गुंबदों में या अग्निहोत्री शक्लों में जैसे शिवालय की है गिरजे की है ठीक है सब के अंदर ज्योतें जग रही हैं सब के अंदर घंटे संख बज रहे हैं मुसलमानों के मर्दान बजाते हैं ये हम ज्योति जलाते हैं मुसलमानों के दिए जलाते हैं कैंडल जलाते हैं ये है क्या ये हमारे समझाने के लिए थे असली मंदिर में शरीर है मिट्टी के लिए लाल लड़के मर गया कूड़ा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडल कूड़ मारी कूड़ दर्शना मार पूरे कूड़ा है जो किसी सर्वना से सोचो ना बोलो ये मंदिर है असली ये गुंबद है ये नमोत्री शक्ल है जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है नाथ का जगह भाला न्याय कुर्ती घंटे संख बज रहे हैं ज्योतें जग रही हैं मर्दान बज रहे हैं ये हमारे समझाने के लिए थे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं मिट्टी की चीजें बना के क्या ये केला है केला तुम्हें है तो मिट्टी ये संतरा है तो मिट्टी इसीलिए समझाने के लिए इसी में रह गए बार बार वो ज्योत इसके अंदर है पूर्ण ज्योत जगे कटने तब खालसा में खालस जाने जब उस ज्योत को प्रकट करते फिर खालसा बनता है ये जिंदे मानने का सवाल जिंदा मानने ये नहीं कवर में चले जाना है मौत की घाटी को दूर करे फिर भाव साहब फिर जो मर्जी आवे जो मर्जी चले वो तो मर के चला गया ये नहीं यानी जड़ चेतन गांठ खोल ले ख्याल फोन पीछे इकट्ठा करे फिर वो ज्योत दिखाई देती है जब वो ज्योत देखी ये सब करते हैं अब मन सनातन हुआ तब जाने जब जीत हुआ जब ना मरा सत्ता स्थल पड़ा मैं सनातन हो गया वो राम नाम की ज्योत है राम नाम जो सुबाई सतगुरु में कल लीजिए जब उस तल पड़े फिर नाम का बन गया इसी का नाम सच्चा शब्द बिजनों का नहीं क्यों बाहर तो कूड़ा है वो हमारे स्कूल है स्कूलों में बिल्डिंग वाला सब बन गई मगर मास ले जाए नहीं यहां से मुसलमान बनता है इधर फकीर हुआ चिल्ला उसने लिखा है नहीं बोल रहे सुनो भाई हाँ धन धन सतगुरु तेरे ही आस एक टाइम है सुन लो समझो कि क्या चीज है कौन सी चीज छुड़ाने वाली है जनमन के बंधन मुकाने वाली है हाँ हाँ जी माई मोरे मंदिर में जोत जगे मंदिर में जोत जगे मंदिर में जोत जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे बिन दीपक बिन बाती घेरत के है तो बात समझ नहीं थी बिन बाती घेर के यार भट्टी भी चाहिए तेल भी चाहिए अपने आप जा रही है अब इस मंदिर में है उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग
उल्टा कुआ गगन में तिसमें जर चिराग। ये पलटू साहब कहते हैं तिसमें जर चिराग बिन रोगन बिन बाती छह ऋतु बारह मास रहते जरत दिन राती। देखो बिन रोगन बिन बाती वो देखना था बारी बार लगा दी सबने। इसमें जर चिराग बिन रोगन बिन बाती छह ऋतु बारह मास रहते जरत दिन राती। सतगुरु मिला जो है ताहे की नजर में आवे बिन सतगुरु को होए नहीं माँ को दर्शावे। निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही उसमें से आवाज भी आ रही है वाणी में अपना अंतर चौदह मंत्र वाणी जो देखनी थी सोचो ये असली भक्ति है। ये जन्म के बंद छुड़ाने सारी दुनिया बारी बार फिर रही है चीज अंदर है फिर तब बाहर है सोच लो। अब दो अंदर भूमि में आ रहा कुछ जानने का जमन आ रहा या घट भी फिर बाण और बस्ती या इन झाड़ पर हारा बाण वास्ती जिसके अंदर है या घर भीतर बाग बगीचा या इन सिंचना बाग बगीचे इसके अंदर है वादा पीते सूरज चंदा यही नमस्कार बहु इसके अंदर है। सोच लो याद अपनी तो देवी देवा यही मिठाकर द्वारा वो देवी देवी इसके अंदर है। सोच लो देवी देवी इसके अंदर है याद अटकी तो काशी मथुरा यही गढ़ गढ़ नारा वो भी इसके अंदर है। आप क्या नाम है उसका प्राग पे जाते हैं वहां क्या है तीन नदी संगम तीन नदी मिलती है वहां असली अंदर है ये नमूना है ईरा पिंडार सुखना तीन बसिक ठल बैनी संगम पे प्राग नमूंद करते हैं। ईरा कहते गंगा जमुना मैंने अंदर देखी है सोच लो इसके अंदर है का मेरे मन से सच है मन तुझे पास खड़ाई हो ये हमारे समझाने के लिए है। वहां जाकर रूप साफ होती है सोच लो गुरु पास तो मतलब लेने हाँ बिन दीपा कबिन बाती घिरत कहे झिलमिल जात जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे मंदिर में जात जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे इस ज्योति का सगल उजारा है रोशनी सगल उजारा सबके अंदर ऐसा तो जिंदगी ताकत हो रही है करंट है जिंदगी की बलों को ट्यूबों को दिल पंखों को मीटरों को सबको जिंदगी ताकत दे रही है कारखाने खिलाती है ठीक है। इस तरह का करंट सबके अंदर आया है राम नाम की करंट कह लो शक्ति कह लो कुदरत आवाज है मालिक की इसमें जोत है कैसे है अभी प्राइम मिनिस्टर बोले एक मिनट में आवाज सब जगह फैल जाएगी जिन अफसर से पहले तो काम करने लग जाएंगे उन्हें तो उसे देखा भी नहीं होगा। तीसरे मालिक की आवाज शब्द का हो हुक्म का हो नाम का हो वर्ड का हो कलम का हो कलाम इलाही का हो कुल की आवाज जरे जरे में सब कुछ जिंदगी ताकत रही है वो रंग ताकत इसलिए उसे कहते राम। जब मरता है तो ये कहते हैं ना राम निकल गया वो रंग ताकत नहीं बाकी मिट्टी है
बाकी तो मिट्टी है ना, वो चीज देखने वाली है राम, उसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। कोई काम कर लो बुरा या अच्छा, बाकी तो एक जरिया है, ताकत तो वो है। हमने लगाया उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इसलिए सड़ रहे हैं शांति में। अगर शील क्षमा संतोष विवेक भीतर वृद्धि कर जाए अंदर कुछ शांति आ जाए, फिर जैसे बल्ब जलाए ट्यूबें जलाए, सोच लो कारखाने चलाए, कारखाने प्लास्टिक कारखाने जूतियों कारखाने कपड़े का बगैर करने को नहीं चलता, जो भक्ति करो। भगवान ने कहा है ये भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाता है, करो पितरों करते पितरों के पास जाता है, देव देते कर उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़े जिस तरफ से आगे चल पड़े तो कहां पहुंचेंगे, हेडक्वार्टर पर, तो जो मर्जी करो। किसी को कोई शक्ति मिले जो श्राम नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये करंट को पकड़े ये सारे जाए, ये मर्द जो मर्जी कर लो, नरकों में जाना है तो विषय दो दो, बुद्ध बढ़ना वो कर लो, पितृ बढ़ना वो कर लो, देव देव बढ़ना वो कर लो, छुटकारा करना ये कर लो, सारी दुकान के लिए ऐसे भी ठीक है। डॉक्टरी सब देख लो, डॉक्टरी का कोर्स कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कोई कर लो, इसी के लिए है कोई सबसे आला कोर्स है जो करे, ये असली भक्ति है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जब प्राप्त तीर्थ वर्ष सब कुछ करते रहे, फिर गुरु अंगद साहब की शरण में गए, कड़ी से कड़ी सेवा की, रात को किसी से केस बांधे, नतीजा क्या देते हैं, हर की पूजा दिलम में संतो कहना कृष्ण में जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नाम कुछ कराई। ऐसी सारी दुनिया मालिक की पूजा करती है, तो असली पूजा मिली दुर्लभ है, वो क्या है, तो पूरा स्कूल मिले, पूरा गुरु मिले, वो कहेगा तेरा सर्व तेरे मेरा तेरे से सच्चा नाम, उसको प्रकट कर, बिना मैं पूर्ण हो गए पर भूल लुकाई, वो सब भूख के मिटाने वाला नाम शक्ति है। पायरे में नाम रत्न हम पाया, जिसको पाया दुख से भूले मन अंदर समाये, जिसकी चोरी कब न हो ऐसे धन में पाया, खर्च लाख में हो दिन में वर्ष आयो, ये असली धन है, ये जर्मन के बंद छिड़ाने वाला है। मन में संग भजे रे भाई, बिना नाम नहीं सुख पाए हो, छोड़ दो दुखलाई, अगर उस नाम को प्रकट कर ले हमेशा सुख शांति। अंदर दो ताकतें काम रही है, कुल खंडो ब्रह्मांडो में तीन की बात समझने की, एक काल एक अकाल, सतपुरुष कह लो अकाल को कुल कह लो, जगाते ना शब्द इन गोबर आशीर एक दिन काल आशीर है, तीन दो पत्थर हमने इस गोबर का राज सब खा गया, तुम सोया क्या करे सोए हो अकाल, ब्रह्म आकाशन दिला सुनी काल की भाषा, इतनी बड़ी वजह से खा गया हमको, पर्वत फाड़ते समुद्र भूख कराए, ते मुनिवर धरती गले क्या को गर्व कराए, सोचो बड़ी बड़ी ताकते कांती है उसका नाम लेने से। आइए अभी शब्द कहते थे क्या मन रहना होशियारी, कितनी चोर निर्दय आवेगा, मन रहना होशियारी, कितनी चोर निर्दय आवेगा। होती रहते हैं जो मन की दरगाह से सदगुरु दफ्तर से उसके महकने से, वो कहते हैं इससे निकलो देश से, हमारा देश नहीं, काल के देश में फंसे हो, बाद में कम है मजब बन जाते हैं ऐसे जो हम कल को सोचे सुबह फिर कपड़ नहीं इसी तरह, बस जो मौके पर फायदा उठा गया नहीं तो बस ये आएगा। हाँ वो कहते निकलो जिन तुम तेजे इतनी बुलाए सुख सह शक्ति कराओ, चलो सह व्यवस्था अपने घर
चल हमसा सतलोक हमारे छोड़े संसार है, ये काल का देश है। कर्मों को जाल में फंसा दिया अच्छे बुरे, क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, हथकड़ी है तो नहीं, पापों बीज की चोट, ये बीज है। कहते ना अच्छे कर्म करता हूँ, बस हमने कहा अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ी है, हथकड़ी तो नहीं थी, इसी जन्म हो सकते कोई जन्म नहीं। सोच लो बुरे कर्म किए नरकों में गया, सारे अच्छे हुए तो स्वर्गों में गया, कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे हुए तो इंसानी जन्म में बन गया आ गया। जिसके बुरे ज्यादा हैं वो जरा दुखी रहता है, जिसके अच्छे कर्म ज्यादा हैं वो जरा सुखी रहता है। हाँ इसी तरह चक्कर में ये चक्कर खत्म करना था, इसलिए आए जन्म, इसलिए आए। अगर आप वहां से निकले तो बस मनु जन्म करो दुर्लभ जग नहीं है, गोल मुख कठिन प्राप्त नहीं है, गोल गोल तो इसीलिए करते हैं। सकल देवा यही बहुत मनोन्नत करें, मनुष्य जन्म को प्राय के दशा को करें, ये कर्मों के हिसाब से चल रहा है काम। प्राप्त उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड इन दोनों को मिट गई खंड खंड बोले जन को होता प्राप्त उनकी सूझ सूझ के भाव जाल से देते रह गए इसी में उनकी भेद है तो सीधा नाम लगे ना तो नहीं लगे। हाँ इसी चक्कर से निकले, सोचो ऐसे वकील बिल्डर मिलते हैं जैसे सेंट्रल का मैप लग गया, सूबे का लग गया, दोनों में कोई सेंट्रल का मुलाजिम हो सूबे में गुना करे सिर तो पाएगा, लेने देने भी खत्म करने हैं, लेकिन हरियाणा वाले तो सूबे वाले तो कुछ नहीं कर सकते है। इसी तरह सब उनको महकमा लग गया है, ये महकमा को दुर्लभ इसमें दाखिल होता है, लफ्जों का दो लफ्ज हो के बता देता है, ये तो नाम दर्ज कराना पड़ता है, ऐसे नहीं जिसका नाम दर्ज हो गया उसको छोड़ता नहीं फेंकता। कितने जन्म लग गए, धर्म दास आठ जन्म में गया, उस नाम की सोचो भाई, उस भक्ति की निशानी क्या है, इतनी इनकी बातें समझने की। आपने थोड़ा छोड़ा है कैसे गया भाई, क्या कहते थे ये कहने लगा है, कहने लगा अगर जब शादी हुई थी उस वक्त ऐसा चेहरा नहीं होगा, बोलो बिल्कुल लग गया है, काल कुछ नहीं कर सकता, ये मैग में लग गया है, ये भक्ति किसी दुनिया के हिस्से में आती है, पटवारी बन जाते हैं, कानून को बन जाते हैं, तहसीलदार बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो बादशाह को बिरला है इस मैच में आते सेंटर में, देख लो भाई। हाँ ये मैच में लग गया है, जिनको नाम मिला पूर्ण ताकत का जपो याद रखो, नजदीक काल नहीं आएगा अगर जपोगे, खुशी खुशी जाएगा सुन। मारवाड़ में चिट्ठी आई कि हमारे बिजली ने चोरा छोड़ा है, सारे गांव में मस्ती छा रही, बोलो चोरा बिजली ने छोड़ा है सारे गांव में मस्ती छा रही, पिता सिटी के पास सुन दिया और दूसरा क्या नारायण क्या ना सुन, उसके गांव से चिट्ठी आई सारे गांव में मस्ती छा रही, ये खुशी देने वाली है, चेहरा देख के खुश हो जाते हैं, जिसमें जल्दी अखबार सुनो ये है नाम, इसका नाम नाम है, दो लफ्ज एक बता देता है मजा हो गया है। और किसी चीज के छिपाए हुए से जाते हैं तो समझ कुछ ठीक है नहीं तो बस देख लो,
ये खास निशानी है। हाँ, पढ़ो। समस्त अवरेज साहब अभ्यासी की मौत के समय मुर्शिद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं। बाखबर मरते हैं, पहले ये भी नहीं होता है। हाँ, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शिद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शिद ही मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शिद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। इसलिए दिल करते हम प्रेमी का है जो जपते हैं बगैर मरने का। यहाँ से आई खुशी का देश है। हाँ, उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपनी गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मलमूत्र निकलता है। क्यों निकलता है भाई मलमूत्र? क्यों आंसू निकलते हैं? तो क्या होता है? कोई खुशी की बात आ जाए चेहरा खिल जाता है, गमी की आ जाए चेहरा मुरझा जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि साहब उसमें जब काल आता है। हाँ, क्या ये तो कर्म बुद्धि अनुसार। जिस वक्त मौत आती है देखो क्या होता है, हाथ पांव से चेतन सतह निकलनी शुरू हो जाती है। कहते नाभी ठंडे हो गए, लताएं ठंडी हो गई, तो नाभि में आता है, यहाँ से आगे जाता है या फिर पीछे जाता है या दो यहाँ काल आता है। फिर जितने इसने कर्म किए हैं सबका निचोड़ निकलता है जैसे अपने निकालते हैं। सोचो अगर मीठी चीजें मीठा अर्थ होगा कड़वी तो कड़वी होगा, और कुछ ऐसे मीठियां दे दीजिए वैसा होगा, इसी के लिए वहां से निकलता है। उसके हिसाब से बुद्धि बनती है, बुद्धि के हिसाब से संकल्प उठाता है। कहते ना अंत माता सही बता अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सर्पलिंग वालों के काल माय की तरफ है, पहले प्राणी छोड़ना चाहता है, कान का प्यार है, बुद्धा है, फूल फूल करता रोशनी लेकर फिर भी कहते मरूंगा। जो कि तन चाहता है उसको तन मिलता है, अगर माया की तरफ ख्याल है तो सांगम को बिठा कर दे। माधुरी चंद्र सिंह बुद्धा अगर मर जाए काबे बैठे नार नारी में इसी तरह हो गया कुकुर का। अगर लड़के में खा रह गया आम प्रकार के लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सुखी कम छूते सुत में रहे एक नर तेरी आस जंग सुख को लही मोह नरक में मास। सोच लो और मकानों में मंदिरों में रह गया, सोच लो अंतकाल जो मंदिर समझे ऐसी चिंता में जो मरे तो दिन भर भर घर घर में बापे की मरी है खेतों में मरी है। देख लो भाई अगर सभी तो ख्याल होगा सब में पा जाएगा। यहाँ बुद्धि का निचोड़ निकलता है फिर क्योंकि ख्याल माया की तरह काल काल की चीजों की तरफ है, बाल बच्चों को जीवनों को या और की तरफ ख्याल है तो ये काल की दौलत है। फिर वो पीड़ता है इसको मेरी दौलत को कब्जा करना चाहता है, क्या करता फिर आगे क्या करता है वो अंदर
वाचिप बैठा काल कसाई, जब सब भास सिमट कर आवे, जब सूरत पे बुझ पहुँचावे, कमल द्वार पखड़ी को रोके, उलटी सूरत काल मुख सो आराम से तेज निकलता है तो कभी तुम पूजा समझ नहीं आराम से रो निकलती है प्राण निकल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किस ख्याल में बैठे हुए आप सो जाते हैं, काम नहीं करते उसको दे दे फिर वापस आ गए ठीक है। अब ये वापस नहीं आ सकता है दरवाजे बंद है। हाँ हाँ जी काल गाड में आन चबानी, जाड़ में चबाता है रस लेता है इसका मेरे नैन से, जब ठर के नैनन से पानी, इसका भी मेरा करना था मेरा कुछ पानी निकलता है चटी छाव निकल जाता है। सोच रहा हूँ जिनको भुगतान स्कीम मिला है नाम जपता है क्या थोड़ा है उसके टटी छाव नहीं निकलेगा, चेहरा पहले सच्चा होगा जिसमें यह करेगा ये खास निशानी है क्या थोड़ी है मैंने लग गया इसको मुझे काल नहीं आता बारे में पढ़ते है ना प्रति समय दूसरे में से प्रति समय काल पर इस समय क्या आगे नहीं आता मुझे जाते हैं एक दिन भोगड़ा सी एक दिन काल आ सी उन लोगों ने संता पकड़े तेरे बहन से इकट्ठे हो गए तो ठक आ सकते हैं। हाँ हाँ जी काल गाड़ में आन चबानी, जब ढर के नैनन से पानी, लगे टकट की दिखे न भाई, वह समय को करे सहाई, उसे बैंक में बोलेगा माँ बाप बहन भाई और बच्चे कोई उसे तो सब ऐसे लगते हैं इनको खा जाऊं पहले ना बताया ये बंदोबस्त करना था ये साथी बनाना था और धन से क्या लेना करिए नहीं। हाँ अब देख लो अपने क्या नाम श्री राम ने चोरा छोड़ा चेहरा कैसा था भाई बोल बिल्कुल जिंदा वो टाइम में पहले से अच्छा होगा बिल्कुल ये निशानी खास है ये नाम की निशानी है दो लोगों को क्या है सुन करो सब जिनको नाम मिले ठीक ऐसे ही जाएंगे सब रोज देखते हैं रोज चिट्ठी आती है खुशी मिल जाते हैं। हाँ ये खास निशानी है ये निशानी है कहीं की असली। हाँ जम के जोत घेर चाहो फेरा, निक से प्राण छोड़ कर देरा, और न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वो काला पड़ता है बल्कि पहले से भी अच्छा व तेजस्वी होता है। ये खास निशानी है बुड्ढे हैं झिड़ियां पड़ गई देखो बुड्ढे हुए चेहरे पे झिड़ियां हैं बुड्ढे बुड्ढे हुए मौत के वक्त झिड़ी दिखी ही नहीं खास है उनकी। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा याद रखो इनको मिला नाम सुन करो बस ये खास निशानी है ऐसे जाओगे सब। हाँ उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते बल्कि अगर कहीं आ जाए
तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि धाड़ कर उनको भगा देते हैं। धाड़ कर भगा देते हैं हिंदू के पिता आचार्य जी का। बोलो भाई, हमारे वो था ना महात्मा चरण सिंह, बुधरा ने उसकी माँ के पास आते रहे, उसने जन सेवा की, निकल जाओ मैंने तुम्हारे साथ दूसरा जाऊंगा। बोलो तीन दिन आते रहे, तीसरे वो क्या नाम बुद्धा, तीसरा क्या नाम वर्मा कला, अंदर कई दिन से पड़ा था बाप लड़का बाहर था, कहने का दोस्त तो है नहीं था, निकल जाओ कोई और बात करोगे। बात है क्या बात है, वो आए थे चार काले काले कपड़े वालों, मैंने कहने को क्या मानी तुम्हारे साथ बोलो देख लो किसी का बता दो तो किसी नहीं करे, ये सुनो आपको जो मिला है जिसके लिए जिंदगी का कोई नहीं आता, ये लाशों को नहीं, जिसका नाम दर्ज हो गया था मालिक दरिया में उसके लिए है, बोलो कोई नहीं चलता है। हाँ हाँ तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर होए भागी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मारग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं, ये गुरु है, ये गुरु है सबके अंदर जो उठी रहते वो पकड़ाने के लिए, जिसने डॉक्टरी की है वो हमें डॉक्टरी सिखा सकते, जिसने अंदर गुरु को प्रवृत्ति किया वो हमें प्रवृत्ति करना सिखा सकता है। उनके समझाने का आला है ये ठीक है, जितना मास्टर से प्यार करोगे उतनी विद्या ज्यादा आती है। इसी तरह ये है गुरु से का दोस्त, सगुण से लचित, जनमन का मूड कटिए, मन देख क्यों छोटी गुण प्यार, गुरु खंतर डाले भक्ष्य पटार। उनके पास रामदूत नहीं फटते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जीना सुनो धर्मराज सारे इंसान मानते हैं, इनका नहीं मान सकता, इनका हिसाब ही लग गया। जिना सतगुरु से उचित लाया, सो खाली कोई ना है, तीन जम की तलब न हो गई, ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है। स्वागत करता है वो भी नमस्कार करता है। जब प्रेमी आ भी जाते हैं तो देवी देवी जितने रास्ते में हैं सब आते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, धन्य तुझे। ये है, ये इसकी भक्ति है, ये आपको मिली हुई है, ये भक्त से मिलती है। और उनको नमस्कार कर जितना अब करोगे जल्दी जाओगे, नहीं तो कई जन्म लग जाते हैं, पर छोड़ता नहीं मैं तुम। जो मानसा देव जी था छोटे कर्म किए, नरकों में भेज के सजा दिलाई फिर भी निकाल के लाए, हिम्मत में ऐसा है सोच लो, काल के वाले नहीं करता। पापी कर्म कमाऊं दे, करदे हाय हाय, नानक त्यो मथन मदानिया, त्यो मथे धर्मराय, नाम त्यायन साधना, जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवै पीतो पवन पुनी। नमस्कार करता है। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मौत के समय जी खुशी खुशी जाता है। प्यारा संख्या कैसे कर्म भुगताया ना, चेहरे बदल गया उसका, रंग भी बदल गया, घर बदलने की पहचान है, ये निशानी है असली भक्ति की।
मैं छोड़ता नहीं, थोड़ी किसी पकड़ता है, देखता अगर थोड़ी गलती की है या उसमें क्या होता है नजदीक आते ही काल गंभीर क्यों बिना अभी सुनाया गुना सा जी का छोटे कर्म दिए नरकों भेजा सर दिलाए फिर निकाल के लाए ना बोला जिनको दर्शन हुए उनको बाहर काल डरता नहीं जिनको तो प्रबल नहीं कर दी बाकी बाकी भी बाकी को भी ले जाएंगे ये हाँ 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 सुनो निकले प्राण बदन से जावे ये मिसाल देते हैं किसी साल मौत के वक्त क्या होता है हाँ जाहे समय की संत सुनावे जाता अब दृष्टांत सुनाऊं नकल माहे मैं असल दिखाऊं जैसे पतंग गगन चढ़ जावे डोरी देत देत बढ़ जावे जब डोरी वह खेच खिलाड़ी खेच डोर भूमि पर डारी सिमटी डोर किया उन पिंडा यविधि सूरत खींचे ब्रह्मण आते हैं जिन्हें डोर छोड़ के जाते आगे से आगे जाता है जब खेल चुकते हैं पूरा इकट्ठी करते जाते हैं बस इसी के कुछ की धारा ये दिमाग के जरिए आंखों में आई देखने लगा कानों में आई सुनने लगा जुबान में आई बोलने लगा हाथों पैरों में आई चलने फिरने लगा फिर माँ बाप बहन भाई ये सारे तरफ देखने लगा ऐसे फैल गया सोचो जैसे रोग काम जिस वक्त मौत आती है ऐसे क्या वो करता है क्या रोग राम से राम से तेज खिंचाना सिमट सिमट नाभि में आना नाभ तेज से भास उठाया जब तन मध्य काल वे आया कालवे से जब डोर खिंचानी जब तत पाच अंग में आया टूट गया अंदर एक सूक्ष्म मतलब चला गया वहाँ क्या होता है डोर प्राण इंच आवे काल कान पर आसन लावे अंदर दो वस्त्र हैं बाई तरफ सतगुरु का बाई तरफ काल का आम जीव काल के हैं या कर्मी है कर्मी है पापी है कुछ भी है जो बुरे कर्म करता है नरक में भेजता है गंदगी में भेजता है जो अच्छे कर्म करता है स्वर्ग में भेजता है अच्छी जीवन में भेजता है लेकिन जन मन का चक्कर नहीं खत्म होता है काम को जाल से निकल जाए हाँ हाँ जी काल कान के मार्ग आई या विधि तन के माहे समाई जब वह डोरी को पकड़े जाई संत सूरत की बैठक वाली होगी फिर उनको संत काम करते गुरु उसी बात पर खबरदार गुरु हमारी है बोल फिर जन्म दे के फिर भक्ति कराएंगे छोड़ते नहीं फिर इनके मंदिर भी क्या
मंगल है। मैं निकल गया, उनका रिश्तेदार था गोली वाले, गोली वाला है ना, गोली वाला खुशी जाओगे, याद रखो जितना करोगे उतना फायदा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होना है। वही सतगुरु की बैठक पासा दौर चाड़ होए काल निरासा। कितनी बड़ी बड़ी तारीफ उठा गया, तीन लोग और चौदह हम इस बेगढ़ का राज आए अचानक पतले यूं चुने ने बास देखो हमको पर्वत फाड़ के समुद्र भूख कराए ते मनुवर धरती गले क्या मौसम मौत आगे खड़ी बोलो इतनी बड़ी बड़ी ताकत खा गया। ये चीज आपको मिले इसकी नसीब नहीं आता। प्राणी सतगुरु की सुध लावे दोरी चाड़ होए काल, दोरी चाड़ काल अलगावे, जो सतगुरु सुध बिसरे भाई जब काल घर फिर वो सुनाता है, फिर छोड़ कर फिर भी नहीं बस बोल दे फिर थोड़ा बोल दे। मन रहना होशियारी कितनी चोर निर्दयी आवेगा, याद रखो हर वक्त याद रखो चोर नहीं आवे, फिर आप तो कहो मैं सुन भी कर रहा हूँ भाई हाँ? इसका ख्याल रखो विष्णु का, चलते फिरते लगे रहो, रात को वापस दो कोई सब बातें करनी कभी कुछ कभी कुछ हाँ? लगे रहो बस हाँ? तीर्थवर तलवार नवर छीना बंदूक चलावेगा, आठ जानन के ना कोई घर में धुंध मचावेगा। तो लग सकता भाई कुछ गया वो पास बैठे हैं, कहाँ ले गया हाँ? अंदर ही अंदर है सोच ले है वो करते दिखाई देता है कोई तलवार नहीं कोई और नहीं कुछ नहीं हाँ हाँ जी। तीर्थ पर तलवार नबर छीना बंदूक चलावेगा, हाथ जाके लगे ना कोई घर में धुंध मचावेगा, मन रहना होशियार कितनी चोर निर्दयी आवेगा। पुलिस तो आती है मकान को तो नहीं छोड़ती, चोर को पकड़ती है देखो, फिर जो सामान चुराया है उसको बैठे बांध के सिर पर रहते हैं, कर्म भाव से उनको लाता घेरे फेरे काल का पैदा ये भी पाप उन जितने की सब भगवान के सुख ले जाते मस्तक पार कल से पारा क्यों कर भाग्य न मुस्कारा, सब विभु आप जगाते राम नाम मुस्कारा है, सब बिचाए तो बिचाए सब कर्म बिचारे फंसे हैं ऐसे ही कह देते हैं कर्म अच्छे किए जाओ दस कर्म कर्म काटे नहीं कर्म कर्म जाए कर्म कर्म छूटे नहीं कर्म कर्म हमारी
बुरे कर्मों से हथकड़ी टूटती है, अच्छे में लग जाती है तो हथकड़ी। ना गट तोड़े ना गट फोड़े ना रूप दिखावेगा, नगरी से कुछ काम नहीं वो तुझे पकड़ने जावेगा। बुरे का किसी चीज से मतलब नहीं, बाहर की सब कुछ छोड़ना पूरा है, उनको देख ही मतलब है। अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, चलो अपने देश हमेशा के सुख प्रदान है बस। ऐसे देखने के लगे तो मर गए सारे। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी तुझे न कोई छुड़ावेगा, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी तुझे न कोई बचावेगा। लोग दम पर भागने मन लेना होशियार, कितनी चोर गिर नहीं आवेगा। मन लेना होशियार उसके मित्र बाकी कोई नहीं। एक संत राम सेवा तो दोनों भले, एक संत राम राम जी दाता मुक्ति के संत वाला नाम। मेरे तो ऐसी जाप चल रही, मैंने ऐसी जपा राम राम चाह तू भी ऐसी जाप चल कर ले। सुख संपत्ति धन धाम पढ़ाई त्याग सकल तू जावेगा, ढूंढे पता मिले ना तेरा कोई खोज न पावेगा। बस लेते हैं अगर लाइटर काम लग गया तुम से ले गया ले लो। है कोई ऐसा संत विवेकी गुण गुणियान सुनावेगा, कहे कबीर सोवे सो खोवे जागेगा सो पावेगा। है कोई ऐसा संत विवेकी गुण गुणियान सुनावेगा, कहे कबीर सोवे सो खोवे जागेगा सो पावेगा। मन रहना पाल को आप भी जब दूसरे भी सिखाओ पुस्तक है आपको भजन करे नहीं और मना करे चरण दास मत पड़े और उनका उपदेश कर भजन करे निष्काम चरण दास में हरिजन पहुंचे हर के काम तो मन भी खुश होता है कि मेरे बच्चों को ये उपदेश करता है। आप भी कहते चलो इसको एग्जाम दें याद रखो। चल हंसा ये है भैया। हाँ क्या हाँ चल हंसा। हाँ चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो, ये जन्म मुश्किल से मिलता है। 84 लाख जीव जीव है ये कहीं जाकर छुटकारा होता है, आदमी की जिंदगी मिलती है। वकील देखते हैं उनको दुख होता है हमारी हालत देखकर, शुरू की बात है सुख सुख के साथ वो नाला जा रहा है, नाला वहां से पानी टूट गया कच्ची सड़क थी उसमें गाड़ी फंस गई, गाड़ी वाला बैलों को डंडे लगाता है मिल नहीं सकते। उससे देखा ठंडी सांस भरी, देखो भाई जब इनको इंसानी जाओ मिलना था
अगर करते तो क्यों डंडे खाते, हमें भी तो नहीं मारते नहीं है। बोलो भाई देख लो, कई जनों का कीट पतंगा, कई जनों का नील तिरंगा, कई जन पंखी सर को कई जन हर जगदीश मुहिम की गिरी है तिरंगा से मुश्किल से मिली है। शम्स तेज ने लिखा है वो जब अंदर गया सारा देख लिया, वो लिखता है कि इस इंसानी जन्म से पहले मैंने इंसानी जन्म में 9 बाप और 14 माताएं की हैं, उसमें करने की आप कदर की है देख लो भाई। हमें मिले होंगे ऐसे धक्के खा रहे हैं 84 लाख जिया जी भुगने के लिए, जीवन जीव बीत जाते हैं, नरकों पड़ा चला जाए, जीवन जीव पड़ा रहता है, सुगम चला जाए जीवन जीव पड़ा रहता है, जातों की उम्र बड़ी बड़ी है, 100-150 साल के यहाँ होंगे, अफ्रीका में खड़ा है 10,600 साल का, है ना? एक दर्द सातों की उम्र कितनी बड़ी है फिर देखो तुम्हें दुख उठा रहे हैं, बैलों को कैसे डंडे मारते हैं, उनके भी कैसे लड़ते लड़ते हैं, कितनी गवे जो होती है रंग देखो कितनी मुर्गे उनके रोड़े जाते हैं कहाँ कहाँ करने के, सोचो मुश्किल से ही जन्म मिलता है, ऐसी फिर कदम ऐसे बर्बाद करके चला जाता है बस, ये फायदा उठा गया ना दिख रही है। नरकों का हाल देखो असल हूँ भाई, एक दफा रामप्रिय बगड़िया में शासन था, काफी दिनों की बात है, राम दादी था, यही बात आ गई नरकों वाली बड़ी, एक आदमी बन ऐसे डराते हैं और आज तो कहते हुए काल फिर सुबह कहते हुए हाय हाय से करता है वो क्या नरकों के दर्द। जमका जुलम जोर बरसाऊं, मार्ग में जीव विपद बताऊं, लोह के खाम तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपटाई, तड़प तड़प जीव जुलम दुखारी, तपत खाम दुख उपजे भारी, वाहे समय की कहा सुनाई, लोहा अगन धवन धोखा। गर्म कर दिया ऐसे बोल रहा है, ऐसे गर्म है उनसे चिमेटते हैं किनको, जो धवन से धोक लुहारा, लोहा जो अगनी में दारा, ऐसे काष्ट जले जीव भाई, वही समय की विपद बताई, पाया भोग सोग सोई जाना, छटपट करे जीव बिन खाना। मजाक करते हैं प्राय स्त्रियों को, प्राय प्राय मर्दों को साथ में कही है पूरा दिन, वहां मुक्त पड़ा रहता वहां,
अब दर्शन का सुनो सुभावा, करमी जीव सहे दुख दावा। कुंभी नरक निदानिए पड़े जीव जब जाए, कुंभी करे दुष्कृता सिर समेत बूढ़ा रहे सदा नरक के माहे। अंदर गंगा के तीन चार जैसी चीजें हैं उसमें डाल देते हैं। जब नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे, अभी जाता अंदर बैठना सिर निकालता बाहर ऊपर जी खड़े हैं चल अंदर जितने मारते हैं वाणी में कितनी नकल कहा ना ये है नास के पुराण में तो कहते हैं गलत ध्यान छोड़ पहुंचे हैं। डूबा रहे नरक के मार, ऐसे सब मस्ती में है बस होश ही नहीं किसी को, जितनी बार लस्ते लेते हैं उतनी ज्यादा दुख उठाते हैं। बस स्वर्गों को प्राप्त हो गए तो भी रोग संतुल हो गए पुराने समय से यहाँ तक लिखा है एक निम्न स्वाद कारण एक दिन पाए एक निम्न भक्त एक दिन क्रोध होने कितना मन जाएगा 28,000-30,000 इतने बाद में दुख उठाना पड़ता है मस्ती में सब। कुंभी नरक कल्प लो रहे बासा, मुख में नरक कल्प 1024 दिन का होता है एक नरक में इतना टाइम कल्प नाम बासा तो फिर हम देखा संदेशी फिर लिखा है। कुंभी नरक कल्प लो रहे बासा, मुख में नरक नाक में सासा, कई जुगन लो रहे अभिहारा, फिर अघोर नरक ने डाला। हे हे नरक है हाय वाद कठिन भोग दुख दाई, संसार मरे उपज वह मार। ये सूक्ष्म मंडल में मांगो जी हैं सारते हैं फिर जन्म देते हैं सारते हैं फिर काम देते हैं सारते हैं फिर वहां का थोड़ा सा दुख सा आ जाता है वहां भी आ जाता है। निकस न हो कभी निर्वारा, गाढ़े बंध बंधे चौधारा। बस याद रखो जिनको नाम मिला सुन करो जितना करोगे जल्दी आराम से जाओगे खुशी खुशी जल्दी पहुंचोगे घर मैं सुनते ही जानते हैं। बाकी जिसकी किस्मत किसकी वास नहीं चाहते घरे का मैं ये बन गयो दो बन गयो पर नसीब कहाँ से लाया ये बुरा नसीब के नहीं अपना छज्जी का छज्जी साधु छज्जी को जानते हैं तो जानते हैं कामे वाला उनके काम वो ले गया बच्चे ही था उसको दे तो दिया रात को मंदिर सोई अगले दिन नाम जाने लगे उसका बाप कदम खेत में जाकर छुप गया बेड़ी के नीचे बैठ गया बाकी सबने नाम ले लिया फिर बाद में आया उसके भाई ने कहा मित्रा ने तो तू भी नाम ले ले कहना मुझे नाम है दुआ क्यों मेरी थानेदार के साथ यारी है वो शराब ला देगा नंबरदार जो था मजबूर किया नाम को कल मिसाइल देते हैं जिस कर सकते हैं कर उसको अकेले को दे दी और ये कह दिया इसका ख्याल रखना
एक मिनट में छोड़ना, 15 मिनट के बाद इसकी मौत आ जाएगी। देखो हेदराम उसके साथ ही रहे, याद करते रहे, आखिर में गया कहीं रोटी खाने, जिन दूत आ गए लड़के कहने लगा मोती इंदिरा और चाची को अपने बुला जो आ गए खाने वाले वो जो आगे दो आदमी उसको मार रहे हैं, वो तो तुम डंडा था तो हम तो दिखाई नहीं देते। फिर आया फिर उसने नारे लगाया सीन किया, एक दफा नारा लगाया कमरे से बाहर, फिर सीन से बाहर, फिर गली से पटन नहीं कही गया, इतना मिनट बाद बच्चों का छोड़ गया उसे नाम याद लगाया। बोलो सुनो भाई आहो सुनो सुनो इस बात बता सारे डेरा मामा लगे थोड़ी जगह कहने लगे जी कुछ और इंसान करे काल का दौरा है आपके सामने काल क्या है। अच्छा भाई बनाओ बनाया तो एक दो कुछ बना ले इंसान की जगह दोबारा तो एक निकाल नहीं आकर बैठ गया मैं बहस करूंगा आगे बनाऊंगा बहस करूंगा और आपको निशान निकालने के बंदे गया हूँ हम तो जाते हैं बस किसी करते हैं तो कहने लगे ये तो वक्त है मजदूर किया डॉक्टर संपर्क के वो चले मंडी जाकर कहने लगे तुम उनको ले जाओ राम जी से ले जाते हैं राम जी भी यहीं गए खैर वहां से दिल्ली आए आ गए थोड़े दिनों के बाद किसी गरीब को भेजा नाल ये था अपना चिरंजी डॉक्टर को राय यही था। अच्छा और वो फिर आया पहले दिन तो मुझे आए थे तो मूसा ने मुझे कहा गाने का शासन करना फिर चुप फिर चले गए। उसके बाद काल की बताते नहीं है उसके बाद शामलाद की जमीन सरदारों ने ली जो पैरों के रिश्तेदार पैरों का जमाना था पैरों का जमाना था तो डेरे में एक दिन बैठ गया को निकाल के कब्जा कर लिया। जब जाए कोई लड़ने को तैयार है भाग लिया जो मुस्लिम दिखाए कहना साजन वो कहना वो दो चार आदमी लेकर के अंदर देखा जाएगा वो भी ऐसा ही था या उसकी माँ को सुनना आया सरदार की ऐसे लड़ाई हो रही है एक संत है वो इनकी तरफ है हम लुट जाएंगे चलो क्या प्रवाह है। साजन आया बंदूक लेकर उसके पास भी बंदूक थी आगे खड़ा था निशानी चोरा छोड़ गए थे निशानी आवाज दी तो तुम देख गए थे आप हमारी बस खत्म भाग गए सब डेरा खाली हो गया सब बैठ गए फिर हम गए अमरपुर जाना था सत्संग के लिए तो कहने लगे जैसे हो जाओ वहां सत्संग दे जाओ। जब गए आधा घंटा रहे जवान दंत दंत रूप से सत्संग किया 15 दिन लिख के चाय मांग कर आम दिल नहीं देखना पाप मांस उतर था बकरी काटते थे ना इतना पाप शामी के पास बैठ जाओ कभी भय नहीं बनेगा मांस हरी मांगा पर तक शशांग काटी संग मत करो पर भय में भंग बोलो खाना तो दर्दना रहा है उसके पास बैठने से भय बन हट जाएगा बोलो पांच मास ये सुबह पांच जो भी पानी खाए थे सुबह के नहीं थे सही जगह से लोग करते हैं तो विचारते हैं देख लो
यही कहता मैं इतना और जुबान तो मैं लिख ली बोल है सब दिन मस्ती में तो किसको भरोस नहीं और क्या हो रहा है कैसे फंसाया उसने ये संसार काल है राज कर्मी को जान पसारा हो पाप उन बीज की कोट ये बीज ऐसी नहीं चलती है पाप है जतन में पाप तुम जो बीजे सब करना के जाए एक दिन सब बीजे हम कारना छोड़ी बीजे पाया भाई ये सदगुरु की भक्ति है धर्मदारी सदगुरु की भक्ति है इसके नजदीक नहीं आते बाकी सबको खा गया ही चौदह खंड बसे आपके मुख में सबका करत हमारा चौदह खंड चौदह पर्व पे ब्रह्म लोग इंद्र लोग शिव लोग सबको खा गया बोलो जिनको हम पूछते हैं जो इंसानी जन में दिल्ली तरसते हैं चौदह पर्व कह लो इंद्रपुरी में सिर्फ मन ब्रह्मपुरी ने चली जाने शिवपुरी तो हो गए काला त्रैगुण माया दिन से काला पढ़ते हैं हाँ जी चौदह खंड बसे आगे मुख में सबका करत नहारा हो धरती करते एक देव दरिया करते चार इतनी बड़ी बड़ी हस्ते को खा गया देखो सब उससे कांपते हैं आज अचानक उतरेगा जीत लेने बाद करते हैं आप बड़ी कड़ी आई काल सुनो चलो तुम लोग चलो हम इसको कर आज निकल सकता है पुलिस की चेक कर रहे हैं पानी के जरिए हवाई जहाज के जरिए अगर पकड़ लेते हैं देखो उसकी भी जाते हैं कोई नहीं निकल सकता हाँ चल चल जीव सकल फिर चलेगा तो सब मस्ती में है फिर करेगा तो बात इस लिखते हैं
जो फकीर की मतलब वगैरह सब एक ही बात कही है, जितनी हम भक्ति कर रहे हैं सब नीचे दर्जे की काल के दर्जे की। नियम धर्म आचार यज्ञ तक मोड़ ले बिहारा जा से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग अनेरा। काल जाल से बंचे चाहो बहो शब्द तक सारा क्या है कि रमन कर रहा तुझे तो सो तक सारा। तो शब्द की भक्ति चलाने वाली बात कोई नहीं, सब जाप सब तप सब चित्राई उधर घर में जाना पाए उनके रास्ते हैं बिन बूझे के थाना खाई ना उन्होंने पूछाई। तो ये हनुमान का जप करता है, देखो तो लक्ष्मी का तो देवी का तो पैरों का तो काली का करते हैं पैरों वगैरह इनके करने से विद्या सिद्धि आ जाएंगी, माया मिल जाएगी, वो शक्ति प्रकट होती है काम को लेते शरीर की रक्षा भी करने लग जाएंगे। लेकिन जन मन के अपने नाम को छुट्टी ना छुड़ा सकते। ये तो ऐसे है जैसे पटवारी ने किसी का इंतकाल कर दिया किसी का निकाल दिया, ये ऐसे है। हाँ हाँ जी तीन लोक तेरा गया बिना विचार विवेक सब पूरे जा रहे हैं। तीन लोक तेरा गया बिना विचार विवेक बिना विचार विवेक भय सब एक घानी पीड़ा भा संसार जाट ऊपर मर रानी। जैसे चनों के साथ उसका घना भी पूछा जा रहा है इसी तरह अच्छे बुरे कर्मों वाले सब पीड़े जा रहे हैं कहता है। इतना दुख सब सहे देहु पर ना ही डराते फिर फिर तेरे जाए कर्म में फिर लपटाते देखी देखा पर आप से आप बेरावे तेरे से जो बचे कहीं को हंसी लगावे। कोई भी बच जाता है उनसे आया गुलाब का गंध लाता है रो रो का गंध मुसलमान है उसे बोलने में फायदा उठाया। देख लो सबसे कहूं पुकार पुकारी कोई नहीं माने नारा नारी जल कहे जुलाहा ज्ञानी हर हर का कुछ भेद न जानी नीच जाकर भक्त कहे हर का दर्शन न पाई। कहता मैं जितियों को तपियों को मुनियों को सबको समझाया ज्ञानियों को कहता कोई न मानना मुनियों को सबसे हार मानना बैठा ये सब जीव काल कर बैठा काल दादू का पुकारी तो माने नहीं हमारी पंडित काशी वेद तेरे पटन मूल वारी बा तीर्थ में हज को जाते बूढ़े भोजन धारी ईसाई सब धोखा खाया परम जीव उचारी हिंदू तुर्क साई तीनों कर्म धर्म कचारी मूल जोर खुदा हम पाया उतरे भजन पाई। पलटू मैं रोवन लगा चलता कोलू देखा रोवन लगा मुसाई जी कोई रहता है करते थे इतनी गल को देख रोना आता करे क्या मानता ही नहीं। पलटू मैं रोवन लगा चलता कोलू देखा तीन लोक तेरा गया बिना विचार विवेक। चलो ये संसार का
कर्म को जान पसारा हो, चौदह खंड बसे अपने मुख में सबका दर्द महारा हो। चल मनसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो। चार बार कोयला कर दारत के हम तारा हो, ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरि आए कोई का कौन बिचारा हो। नर्तक तो कोई भी नहीं, आत्मा मरती नहीं, एक जेल से निकाल उसमें डाल देते हैं, कभी पीड़े थी कोई बटंगे थी भाती थी कभी घोड़े थी, जेल है बार बार मौसमी का डालो फिर जेल उतारा हो। हम तो कहते हैं अवतार भी मालिक है, दोबारा जन्म देता है, संत की निंदा नाम का भाव का उतार फिर उतार हो गया। देखो बार बार जन्म देता है, तेरा काम बन गया, उनको समझा शायद तो मान जाए। शमशेर ने लिखा मैं जाना नहीं चाहता, मर्द मर्द ने भेजा है हुक्म के लिए नहीं कर सकता, इकरार करके आए। सोना दे चांदी दे कपड़े दे किसी तरह जपने लग जाए। ऐसा बुलाया उसने, अपने मालिक को भूल गए, अपने घर को भूल गए। एक माई थी तहसीलदार ने उसका काम कर दिया, कहने लगी बेटा तुझे मालिक पटवारी बना दे। वो कहने लगे मैं तहसीलदार हूँ। नहीं बेटा पटवारी बना दे, पटवारी बहुत बड़ा होता है, उसके लिए तो पटवारी बड़ा हमारे लिए ही है। असल घर भूले रहते हैं, बोलो दुनियानी उसका हुक्म चल रहा है, सब उसके हुक्म में, पता ही नहीं कहा ये था घेर लिया। हाँ हाँ जी सुर नर मुन सब चल चल मारे छोरा सी में तारे हो, मठ अदासी आप जहाँ बैठे जोत शबद नाई की तरह बहुत ज्यादा तो वो तहसीलदार बड़ा है तो डीसी बड़ा है स्वरूप शब्द जहाँ भूले हम सब भरत बिहारा हो, टोटल सूर
यहाँ से संदेश शुरू है। एक राम की रोशनी करोड़ा सूर्य चांद मुकाबला नहीं रखते। कोटन सूर चांद छिप जाए एक राम वही पारी के नगर बसत है अमर पीड़ा था जब तक ये नहीं पीते जब तक शांति नहीं। नीचे भी है अमर लेकिन ये हाल है तो सब जितने अवसर हैं जितने खान पान हमारे सब इसके मुताबिक मुकम्मल शांति आते हैं कायम नगर नगर है निकलो सौदा रस की गई है सौदा करना था तो पियोरे राम रस प्यासा गर्जी नहीं किसी को गगन मंडल में अमर कुमार से उनके घर वास है किसी गर्जा होती नहीं जिसको प्यास हो गई है करते फिर है पानी है पानी है पानी उसको है दर्द में लेके मिलने के है ही नहीं मिला तो ठीक कभी किसी के पास कभी किसी के पास कभी फिर अंदाज में डर जाए तो चीज मिलती दूसरे को मिलती भी नहीं। वही पारी के नगर बसत है पर से अमरत धारा हो जल का पीर सुनो मर्म दासा लखो पुरस दरबारा हो चल हम सासत लोग हमारे छोड़ो ये संसार नाम रतन धन मुझ में खान खुली घट माही सीख नीति राह कोई नहीं बस देता हूँ बोलो। काफी सब फरमाते हैं काफी साफ फरमाते हैं या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है सब के सब बिल्कुल कोरे और रूहानियत से बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं और इस धन का कोई गाहक नजर नहीं आता। मैंने कहा तेरा सेवक मुझे काम घुमाई है फिर मालिक ने खजाना बख्शा कहा देखना इसके कहा कोई नहीं संभाल के रखना पूरी हम तेरे से भी डॉक्टर मीटर में जाए तेरे द्वारा घुमसा की माते मेरे दिलाई कर देना दादे हो सर में दीजिए दिन दागे भग जाई फिर आगे कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार एक खास जगह पे है कई चीजें बाहर रख देते हैं कई सेम में रखते हैं कि कमरे में रखते हैं कि मुखों में रखते हैं कि सेफों में रखते हैं कि खास खाने में रखते हैं ये भी खास जगह पे है उचित है। दुर्दीनी वस्तु कबीर को ले हो वस्तु संभाल कबीर दी संसार को लीनी जी संभाल थोड़ी भर्ती करनी है खास खास उन्हों के वास्ते आते हैं बस गाज ही नहीं कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया तिरका का सोहाग। चलो जब बन बनते हैं इसमें तो बोल याद रखो समय करो जितना हो सके टूटा फूटा लगे रहो जल्दी काम नहीं हरे का पर मन नहीं लगता मन तो लगना नहीं इसे मुकाबला रखना पड़ता मन न झगड़ा मन न सत इसे लड़ाई करनी पड़ती है। अंदर में लड़ाई वाला बस लड़ो भाई जल्दी करूँ। हाँ
किसी को रोजगार बढ़ता नहीं, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, पर लगा तो रहता है, ये भी लगा रहे मन लगे न लगे, टेढ़ा सीधा हो गया का फल जाए कैसे लेते लिखा जैसे लगे रहो। ग्रंथ में लिखा है जैसा भी कैसा भक्त अपना बल निहारे अपनी तरफ से कोशिश करो, चल बचा दे उधर दे वो प्रसाद भी लिया होगा संता। हाँ चलो हाँ सुन हाँ आए हाँ। धीरे धीरे मना धीरे सब कम हो बाबा जी मिल गए काम उधर एक विशाई साहब गुजार देते मान सब को क्या जरूरत थी पूरे कानपुर का है बोलो भाई बाकी पाशी बाद में तैयार हूँ 13 साल हो गए दूसरों ने रात दिखाया बीती जाए रे उमरिया तेरे सुनते भी जाओ शादी दो उसके बाद तेरे नाम कहते नाम दे नाम वालों को बिठा लेना भाई चलो चल दो हाँ बीती जा उमरिया बीती जाए रे उमरिया तेरी घटती जाए रे उमरिया गुरु के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती जाए उमरिया मनवा घटती जाए रे उमरिया हरि के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना पंछी पंख बिना आस्ति तंतु बिना पंछी पंख बिना आस्ति तंतु बिना नारी पुरुष बिना जैसे नारी पुरुष बिना जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना पुत्र पिता भी नहीं ना ऐसे प्राणी हर के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती जाए उमरिया मनवा घटती जाए रे उमरिया गुरु के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना।